हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। तो आज के वीडियो में हम आप लोग को दिखाने वाले हैं अपना बौसी का मंदार हिल। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए फुली वॉच कर लीजिएगा। हम बौसी के मधुसूदन मंदिर पहुंच चुके हैं और यहां से मंदार हिल कुछ ही दूरी पर है, तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हम मंदार हिल पहुंच चुके हैं और यहां दर्शनीय स्थल की सूची पट्ट लगी हुई है। पहाड़ के सबसे निचले भाग में पाफरनी तालाब है। इस तालाब के मध्य सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर बना है, जो इस तालाब की शोभा बढ़ा रहा है। माना यह जाता है कि इस तालाब में स्नान करने से सारे पापों का हरण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहां लोग विशेष रूप से स्नान करते हैं। यहां समुद्र मंथन करते हुए देवताओं और दानवों को दिखाया गया है। तो चलिए अब हम पहाड़ के ऊपर चलें। कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण आज रोपवे बंद है, तो हमें सीढ़ियों से ही जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। और इस पर्वत से जुड़ी हुई कुछ धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं भी जो हम आपको बताते चलेंगे। इस पर्वत के बारे में सबसे प्रचलित मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के समय इसी पर्वत का प्रयोग मथनी के रूप में किया गया था, और जिस वासुकी नाग द्वारा इस पर्वत को लपेटा गया था, उसके निशान आज भी इस पर्वत पे मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। चलिए अब हम पर्वत के ऊपर की ओर चले। वैसे तो इस पर्वत पे कई कुआं, कुंड और गुफाएं मौजूद है, जो हम आपको दिखाएंगे। वैसे अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हैं और फिर ऊपर की ओर चल सकते हैं। चलिए अब हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और यहाँ एक कुंड है, इस कुंड का नाम सीता कुंड है। इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी इसमें पानी हमेशा भरा रहता है। चलिए अब हम नरसिंह भगवान के गुफा की ओर चलते हैं। और हम गुफा के पास पहुंच चुके हैं, और चलिए गुफा के अंदर चलते हैं और देखते हैं गुफा के अंदर क्या क्या है। इस गुफा के थोड़े ऊपर एक कुंड है, इस कुंड का नाम आकाश गंगा है और इसमें हमेशा ही पानी भरा रहता है। इस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ का भी एक मंदिर है, और यहाँ इन्हें मंदारनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। चलिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। चलिए इस पर्वत की और ऊपर की ओर चले, और इस पर्वत से जुड़ी हुई दूसरी कथा भी आपको बताते चलते हैं। एक बार भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए दो भाई मधु और केटव, बाद में ये दो भाई बहुत उत्पात मचाने लगे, तो भगवान विष्णु को इनसे हजारों वर्षों तक लड़ाई लड़नी पड़ी, और अंत में भगवान विष्णु ने मधु के सर को काट कर इसी पर्वत के नीचे दबा दी, और इसकी वीरता से खुश होकर इसी पर्वत पर इसकी आकृति बना दी। ये थी इस पर्वत से जुड़ी हुई दूसरी कथा। अब हम राम भरत गुफा के पास पहुंच चुके हैं, और इस गुफा के अंदर इनके पदचिन्ह रखे हुए हैं। चलिए हम आपको इनके पदचिन्ह दिखाते हैं।
पर्वत के सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ एक जैन मंदिर बना है। यह मंदिर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य से संबंधित है। इसी पर्वत पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि भगवान वासुपूज्य चंपा राजघराने से संबंधित थे। चंपापुरी वर्तमान समय में भागलपुर के ही नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। चलिए अब हम नीचे की ओर चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।